इस क्लास में स्वागत है। आइए आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे SS2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग। इसमें हम कुछ काम कर चुके हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग है। आइए चेक करते हैं कि कहां तक हम इसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। शाबाश। वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री से हमें स्टार्ट करनी है आज की इस क्लास को। आइए बेटा शुरू करेंगे 1.2.3। तो नोटिस के बारे में पढ़ रहे थे, नोटिस कैसा होना चाहिए। तो जो भी कंपनी नोटिस डिस्पैच कर रही है, अगर वो अपनी कोई वेबसाइट भी चलाती है, राइट, तो आइए बच्चे यहां से हम पढ़ेंगे। कंपनी अगर अपनी वेबसाइट भी चलाती है तो वो नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर भी शो होना चाहिए। ये आप ध्यान से समझ लीजिए बेटा। शाबाश बेटा। 1.2.4 शैल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट। ये एक नई बात है तो एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ये पुराने एक्ट में और रूल्स में, पुराने एक्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर ये बात नहीं थी। तो नोटिस शैल स्पेसिफाई द डे टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। अब नोटिस के कंटेंट क्या होंगे, आइए हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। कंटेंट ऑफ नोटिस, नोटिस में आप क्या चीज लिखोगे, क्या चीजें शामिल करोगे। डे, पहली बात तो डे, दूसरी बात डेट, तीसरी बात टाइम, चौथी बात फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। नोटिस शैल कंटेन कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग इंक्लूडिंग रूट मैप। क्या देना बेटा आपको, रूट मैप भी बताना है। शाबाश। इंक्लूडिंग रूट मैप, ठीक है, शाबाश। एंड प्रोमिनेंट लैंडमार्क फॉर इजी लोकेशन। रूट मैप बताना है, लैंडमार्क भी नोटिस में आपने बताना है। स्टैंडर्ड कह रहा है, ये एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रूट मैप भी देना है और कोई लैंडमार्क भी बताना है ताकि ऑफिस जल्दी से लोकेट हो पाए बाय द पर्सन हु वांट्स टू अटेंड द मीटिंग। मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान से इसको नोट करेंगे। मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज बिटवीन 9 AM टू 6 PM ऑन अ डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, मीटिंग कॉल्ड भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए बेटा। नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या है, यहां पे नेशनल हॉलीडे 3 दिन को हम नेशनल हॉलीडे मानते हैं। एक तो है 15 अगस्त, एक है 2 अक्टूबर और एक है 26 जनवरी। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को हम नेशनल हॉलीडे मानते हैं। अ मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्वेस्टनिस्ट शैल बी कन्वेन ओनली ऑन अ वर्किंग डे। और जो मीटिंग रिक्वेस्टनिस्ट कॉल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डे वाले दिन ही होनी चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट द सेम अदर प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात सेक्शन 96 में भी हमने पढ़ी थी बेटा, यहां भी पढ़ रहे हैं।
annual general meeting shall be held either at the registered office of the company or at the some other place within the city, town or village. आप किसी भी place पे रहते हैं, जो भी आपका प्लेस है, जहां भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या तो वो एक विलेज है, या तो वो एक टाउन है, या तो वो एक सिटी है. सिटी है, टाउन है, विलेज है. इन तीनों में से कोई एक चीज है. विलेज है, सिटी है या टाउन है. तो एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. आइदर वर्ड को ध्यान देना बेटा. या तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग करनी है, या फिर उस सिटी की लिमिट के अंदर मीटिंग करनी है जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या तो फिर उस टाउन की लिमिट के अंदर करनी है जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या तो उस विलेज की लिमिट में करनी है जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. एक्ट में भी ये बात एज इट इज है, वहां पढ़ी थी डिटेल में बेटा. एक पॉइंट और आपने कंटेंट में शामिल करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट में. नोटिस ऑफ अ कंपनी विच हैज अ शेयर कैपिटल और द आर्टिकल्स ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग एट ए मीटिंग बाय प्रॉक्सी. ठीक है, दो बातें हैं यहां पे इकट्ठी, आप ध्यान से नोट करें बेटा. नोटिस ऑफ अ कंपनी विच हैज शेयर कैपिटल, ठीक है, और द आर्टिकल्स ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग एट मीटिंग बाय प्रॉक्सी शेल प्रोमिनेंटली कंटेन अ स्टेटमेंट दैट अ मेंबर टू अटेंड एंड वोट इज इंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी. यानी एक बात और आपने नोटिस में प्रोमिनेंट तरीके से लिखनी है, यानी नजर आए वो आपके नोटिस में. ऐसी नहीं हो कि बहुत बारीक अक्षरों में लिख दिया, जैसे कंडीशन अप्लाई आप बहुत बारीक अक्षरों में देखते हैं लिखा होता है, तो कंडीशन अप्लाई जैसे फॉन्ट में नहीं लिखना, प्रोमिनेंटली एक फॉन्ट में लिखना है कि आप मीटिंग खुद भी अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, या आप ये काम किसी प्रोक्सी के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है बेटा. और वेयर दैट इज अलाउड, और जहां ये अलाउड है, वन और मोर प्रोक्सीज टू अटेंड एंड वोट इंस्टीड ऑफ हिमसेल्फ एंड दैट अ प्रोक्सी नीड नॉट बी मेंबर. और ये बात भी लिखनी है, जो प्रोक्सी होगा वो जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो. इन केस ऑफ कंपनीज वेयर प्रोक्सी शैल बी मेंबर अंडर द एक्ट, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल अपीयर इन द नोटिस प्रोमिनेंटली. इन केस ऑफ कंपनीज वेयर प्रोक्सी शैल बी ए मेंबर अंडर द एक्ट, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल अपीयर इन द नोटिस प्रोमिनेंटली. यानी प्रोक्सी के बारे में, प्रोक्सी कौन होता है बेटा? प्रोक्सी वो पर्सन जिसके थ्रू आप मीटिंग अटेंड करते हैं, उसे प्रोक्सी कहा जाता है. तो आपके नोटिस में प्रोक्सी के बारे में डिटेल होनी चाहिए. आपको ये बात शेयर होल्डर को बतानी है नोटिस के जरिए कि आप खुद भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और आप ये काम किसी शेयर होल्डर के थ्रू भी कर सकते हैं. और ये चीज आपने प्रोमिनेंटली लिखनी है वहां पे. ठीक है, बारीक अक्षरों में नहीं लिखनी, प्रोमिनेंटली लिखनी है. जहां अलाउड है वहां आप एक से ज्यादा प्रोक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, ये बात, ये प्रोविजन आप प्रोक्सी वाले सेक्शन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बेटा. ठीक है, अच्छे से आपने लर्न करना है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछना है. इसके बाद हम देखेंगे बेटा 1.2.5. शाबाश बेटा. नोटिस शैल क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द मीटिंग. नोट, पहली बात नेचर ऑफ द मीटिंग बतानी है. अब नेचर ऑफ द मीटिंग का मतलब क्या है? कि मीटिंग जनरल मीटिंग है, मीटिंग ईजीएम है, या मीटिंग एजीएम है. तो सबसे पहले नोटिस के अंदर आप ये क्लियर कर दोगे whether it is a notice of annual general meeting or notice of extraordinary general meeting. तो ये चीज आप नोटिस में स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो नोटिस है ये एनुअल जनरल मीटिंग का है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का है. ठीक है बेटा, अगर एजीएम है और एजीएम में, ठीक है बेटा, आपको ये बात अच्छे से पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग है तो इसमें दो तरह के बिजनेस होते हैं. एक तो ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं और दूसरा स्पेशल बिजनेसेस होते हैं. अगर ये ईजीएम का नोटिस है तो आपको ये बात पता है, ऑलरेडी पता है आपको ये बात,
कि ईजीएम के अंदर ओनली एंड ओनली स्पेशल बिजनेसेस होते हैं। तो जहां भी स्पेशल बिजनेस आप ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू नीड टू अनेक्स एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलोंग विद योर ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ठीक है बेटा, अलोंग विद योर स्पेशल बिजनेस एंड नॉट विद योर ऑर्डिनरी बिजनेस। तो इस पैराग्राफ को बेटा हमने ध्यान से पढ़ना है, आइए इसको पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं बेटा एक बारी। आइए बेटा, शाबाश, क्या चाहता है ये पैराग्राफ आपसे? आइए बेटा ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। नोटिस शैल क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द मीटिंग एंड द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड देयर एट। इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस, ईच सच आइटम शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन एंड शैल बी अकम्पेन्ड बाय एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। यानी जो स्पेशल बिजनेस है उसकी आप जो लिखेंगे नोटिस के अंदर, उसको रिजोल्यूशन की फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे आप रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, आपने जरूर सीखी होगी अब तक कि रिजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि रिजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, तो आप मुझे डाउट रेज करना, मैं आपको बताऊंगा कि रिजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। नोटिस शैल क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द मीटिंग एंड द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड देयर एट। इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस, ईच सच आइटम शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन and shall be accompanied by an explanatory statement which shall set out all such facts as would enable a member to understand the meaning. ठीक है, आपने इस तरह से मैटर्स को लिखने हैं कि शेयर होल्डर ये समझ पाए कि एक्चुअली नोटिस में किस तरह की मीटिंग को आप कन्वेंट कर रहे हैं और क्या किस लिए कर रहे हैं, क्या एजेंडा है। यानी एजेंडा मेंबर के समझ में आना चाहिए कि किस लिए आप मीटिंग को कॉल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस एंड टू टेक अ डिसीजन देयर ऑन। इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, रिजोल्यूशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टार्टेड इन द नोटिस एक्सेप्ट वेयर द ऑडिटर और डायरेक्टर्स आर बी अपॉइंटेड। इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, रिजोल्यूशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द नोटिस एक्सेप्ट वेयर ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड are other than the retiring auditors or directors as the case may be. तो ये भी बताया गया है बेटा स्टैंडर्ड में कि नोटिस में जब आप आइटम्स को लिस्ट बनाओगे, आइटम्स की लिस्ट बनाओगे, तो उन आइटम्स की लिस्ट को लिखोगे कैसे। तो स्पेशल बिजनेस को तो आपने रिजोल्यूशन की फॉर्म में लिखना है, ऑर्डिनरी बिजनेस को आपने सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन जहां पर आप ऑडिटर को, ठीक है बेटा, या डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो और उन लोगों के अलावा कर रहे हो जो कि अभी डायरेक्टर हैं या अभी ऑडिटर हैं, अभी डायरेक्टर है जो रिटायर होगा और उसकी जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, वो रीअपॉइंट भी हो सकता था, अभी एक ऑडिटर अपॉइंट होगा और नया ऑडिटर उसकी जगह अपॉइंट होगा और वो रीअपॉइंट भी हो सकता था पुराना ऑडिटर। अगर आप ऐसे पर्सन को डायरेक्टर या ऑडिटर बना रहे हैं जो पहले डायरेक्टर या ऑडिटर नहीं था, तो आप क्या करेंगे उसको बेटा, रिजोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे। Resolution are not required to be started in the notice except where the auditors or directors to be appointed are other than the retiring auditors or directors as the case may be. Yani jahan pe retiring director reappoint ho raha hai ya jahan pe retiring auditor reappoint ho raha hai, wahan pe aap simple language mein, simple English mein likh sakte hain. Jahan par unke alawa koi aur person appoint ho raha hai to wahan pe aap resolution form mein likhenge कि इसलिए मीटिंग बुलाई जा रही है क्योंकि आपको डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, क्योंकि आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है बेटा, नोटिस नेचर ऑफ द कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इट मे ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इन द स्पेशल आइटम्स ऑफ बिजनेस और इन अ प्रपोज रेजोल्यूशन शैल बी डिस्क्लोज इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, जो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखेंगे, आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या लिखी, आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये लिखा कि आपकी कंपनी है कंपनी ए, और वो कंपनी बी को लोन देने जा रही है, तो डायरेक्टर्स का इसमें क्या इंटरेस्ट है, डायरेक्टर का और मैनेजर का क्या इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आपने मेंशन करना है, और ये इंटरेस्ट दो तरीके का होगा, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है
और अदरवाइज भी हो सकता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी आपने मेंशन करना है और अदर इंटरेस्ट भी मेंशन करना है। हो सकता है कंपनी ए का जो डायरेक्टर है एमडी है वो कंपनी बी में डायरेक्टर हो, या कंपनी बी का मैनेजर कंपनी ए में डायरेक्टर हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो कंपनी ए का डायरेक्टर कंपनी बी में भी डायरेक्टर हो, कंपनी ए का रिलेटिव कंपनी बी में डायरेक्टर हो, कंपनी बी का जो मैनेजर है उसकी वाइफ कंपनी ए में एमडी है, तो जो भी इंटरेस्ट है किस किस का इंटरेस्ट आपने मेंशन करना है नोटिस के अंदर, नोटिस के अंदर किस जगह आप मेंशन करेंगे इंटरेस्ट को, नोटिस में स्पेशल बिजनेस जो है उसके लिए आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखी है, उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपने इंटरेस्ट को लिखना है। कौन से इंटरेस्ट को लिखना है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लिखना है या अदर इंटरेस्ट को लिखना है, किन किन लोगों के इंटरेस्ट को मेंशन करना है। एक तो डायरेक्टर के इंटरेस्ट को मेंशन करना है, मैनेजर के इंटरेस्ट को मेंशन करना है, केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल के इंटरेस्ट को मेंशन करना है, रिलेटिव्स ऑफ द पर्संस मेंशन्ड अबव के इंटरेस्ट को मेंशन करना है। इन केस एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, यहां से बेटा आप ध्यान देंगे, शाबाश। इन केस एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू और अफेक्ट एनी अदर कंपनी, the extent of shareholding interest in that other company of every promoter, director, manager and every other key managerial personnel at the first mentioned company shall, if the extent of such shareholding is not less than 2% of the paid up share capital of that company, also be stated in the explanatory statement. शाबाश, बहुत टेक्निकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ इसको हम समझने की कोशिश करें जरा सा। आओ बेटा, ठीक है, आओ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से पढ़ें बेटा, मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ को आप एक बारी दोबारा से पढ़ें। यहां पे एक एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है बेटा, यहां पर एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पैराग्राफ में बनता है। आइए हम उसको ध्यान से सीखने की कोशिश एक बारी करें। शाबाश बेटा, क्या कहते हैं ये बेटा, आइए आपके इंस्टीट्यूट की बात सुनते हैं। आईसीएसआई का ये स्टैंडर्ड है, क्या कहता है ये आईसीएसआई स्टैंडर्ड के जरिए, आइए इस चीज को एक बारी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के जरिए क्या बात कहना चाहता है। इन केस एन आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी एवरी प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर और केएमपी ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी शेल, इफ द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर होल्डिंग इज नॉट लेस देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑल्सो द स्टेटेड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आइए मैं आपको जरा समझाता हूं कि क्या ये कहना चाहता है आपसे। कंपनी ए है, कंपनी ए की जनरल मीटिंग हो रही है, इस जनरल मीटिंग में हम नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं, नोटिस में एक स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस के लिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या कंटेंट मेंशन करेंगे वो आपको बताया, उनमें से आपने ये भी लिखना है अगर ये स्पेशल बिजनेस, अगर ये स्पेशल बिजनेस कंपनी बी को इफेक्ट कर रहा है, अगर ये स्पेशल बिजनेस, अगर ये स्पेशल बिजनेस कंपनी बी को इफेक्ट कर रहा है, कंपनी बी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना है या कंपनी बी को अदरवाइज इफेक्ट कर रहा है, तो आपने यहां पर कंपनी ए के
प्रमोटर या डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल की शेयर होल्डिंग लिखनी है, किस कब लिखनी है, जब इनकी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 2% या उससे ज्यादा हो। ठीक है बेटा, आओ इस लैंग्वेज को एक बारी और पढ़ें। ठीक है, शाबाश बेटा। ये बात सिर्फ स्पेशल बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। शाबाश, आइए बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। शाबाश, इन केस एन आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी। अगर एक स्पेशल बिजनेस दूसरी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, आपने जो स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट किया है वो दूसरी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है। कैसे इफेक्ट कर रहा है बेटा? दूसरी कंपनी के साथ आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, और क्या होगा इसके अंदर, सोचो बेटा। दूसरी कंपनी को आप लोन देने लगे हो, उसके शेयर खरीदने लगे हो, उसको अंडरटेकिंग बेचने लगे हो, उसकी अंडरटेकिंग खरीदने लगे हो। अगर कोई स्पेशल बिजनेस दूसरी कंपनी को इफेक्ट करेगा, तो आपने उस स्पेशल बिजनेस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कंपनी ए के डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर और केएमपी की शेयर होल्डिंग लिखनी है बेटा। इफ द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर होल्डिंग इज नॉट लेस देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी ऑल्सो स्टेटेड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, अगर इनकी शेयर होल्डिंग, किनकी शेयर होल्डिंग, प्रमोटर की, डायरेक्टर की, केएमपी की, मैनेजर की शेयर होल्डिंग कंपनी बी में 2% या उससे ज्यादा है, तो ये बात आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करनी है कि हम कंपनी बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और हमारा जो प्रमोटर है वो 2% या उससे ज्यादा शेयर्स कंपनी बी में होल्ड करता है। ये बात आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करनी है। सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है इस पैराग्राफ की बेटा। आई होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन रेज योर डाउट्स। आप डाउट कैसे पूछेंगे बेटा? आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए डाउट्स पूछ सकते हैं। आपने मुझे बताना है कि किस हेडिंग में आपको प्रॉब्लम है। आपको जिस हेडिंग में प्रॉब्लम है आपको उस हेडिंग का नंबर लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.2.5 में अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1.2.5 में आप मेंशन कर देंगे और मैं आपको बता दूंगा बेटा, मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा बेटा। शाबाश बेटा। अगर किसी स्पेशल बिजनेस में, सुनिए बेटा ध्यान से, नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है ये आपको सिखाया जा रहा है बेटा। एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज से आपको ये बात सिखाई जा रही है। लॉ इज एट इट्स बेस्ट जब आप नोटिस ड्राफ्ट करेंगे। और अगर आप ड्राफ्टिंग का पेपर भी कर रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे ड्राफ्टिंग का पेपर भी कर रहे हैं सीएस प्रोफेशनल के, जो बच्चे सीएस प्रोफेशनल कर रहे हैं और जो ड्राफ्टिंग का पेपर भी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। आपको यहां पे यह सिखाया जा रहा है कि नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है। एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस आपको ड्राफ्ट कैसे करना है ये बात आपको सिखाई जा रही है। वेयर रेफरेंस इज मेड टू एनी डॉक्यूमेंट। अगर नोटिस के अंदर स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है और वहां पे किसी डॉक्यूमेंट को रेफर किया जा रहा है, वहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेफर किया जा रहा है, वहां पे किसी एग्रीमेंट को रेफर किया जा रहा है, वहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रेफर किया जा रहा है, वहां पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रेफर किया जा रहा है, या वहां पे किसी भी रिलेवेंट, ठीक है बेटा, डॉक्यूमेंट, तो द रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो भी रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके स्पेशल बिजनेस आपके दो हैं,
तो फर्स्ट सेकंड, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दो होंगी, एक फर्स्ट होगी और एक सेकंड होगी। तो रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप ये बात बोलेंगे कि सच डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एंड सच डॉक्यूमेंट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन फिजिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड बिजनेस आवर्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड कॉपीज thereof शैल बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द हेड ऑफिस ऑफ द एज वेल एज कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द कंपनी इफ एनी सच ऑफिस इज सिचुएटेड एल्सवेयर एंड ऑल्सो एट द मीटिंग। आपने क्या लिखना है बेटा, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को रेफरेंस दे रहे हो, आप किसी आर्टिकल्स को रेफरेंस दे रहे हो, आप किसी मेमोरेंडम को रेफरेंस दे रहे हो, और आप ये लिखोगे कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट को, उस मेमोरेंडम को, उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आकर एक बारी पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा आप कहां करेंगे? ऐसा आप बिजनेस आवर्स में आके कर सकते हैं, या फिर ऐसा आप मीटिंग के दौरान भी कर सकते हैं। आप शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पैराग्राफ को हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू ड्राफ्ट नोटिस ऑफ द मीटिंग इन ऑल केसेस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट एंड और फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर इन ऑल केसेस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट। अगर आप क्या अपॉइंट कर रहे हैं या रीअपॉइंट कर रहे हैं या फिक्सेशन कर रहे हैं रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन details of each such director or manager including age qualification experience terms conditions of appointment or reappointment along with details of remuneration sought to be paid and the remuneration last drawn by such person if applicable date of first appointment the date shareholding in the company relationship with other directors managers and key managerial personnel of the company number of the meeting of the board attended during the year and other directorships, memberships, chairmanships of the committees of other boards shall be given in the explanatory statement. तो यहाँ पर director, manager और executive directors के बारे में, KMPs के बारे में ये सारी जानकारी आपने यहाँ पर देनी है, notice में लिखनी है। अच्छे से एक बारी पढ़ो, दो बारी पढ़ो, तीन बारी पढ़ो, doubt के केस में अपने doubt please मुझसे पूछो। शाबाश बेटा, आओ एक बारी दोबारा से इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन ऑल केसेस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट एंड और फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर और ऑफ मैनेजर और वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेमुनरेशन, अगर आप डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, होल टाइम डायरेक्टर की टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो डिटेल्स ऑफ सच डायरेक्टर और मैनेजर इंक्लूडिंग एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट अलोंग विद डिटेल्स ऑफ रेमुनरेशन सोट टू बी पेड एंड द रेमुनरेशन लास्ट ड्रॉन बाय सच पर्सन इफ एप्लीकेबल डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑन द बोर्ड शेयर होल्डिंग इन द कंपनी रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर्स मैनेजर एंड की मैनेजर पर्सनल ऑफ द कंपनी the number of meeting of the board attended during the year and other directorships membership chairmanship of the committees of the board shall be given in the explanatory statement in case of appointment of independent directors the justification for choosing the appointees for appointment as independent director shall be disclosed agar aap independent director appoint kar rahe hain to jo jin logon ko aapne independent director appoint karna hai unke piche kya justification hai kyun kisi aadmi ko aap as a independent director appoint kar rahe hain kya lagta hai wo aapka kyun aisi appointment karne ki aapne sochi ye sari baatein aapne explanatory statement mein likhni hai kaun si explanatory statement mein likhni hai relevant explanatory statement mein likhni hai theek hai aaiye is paragraph ko last 1.2.6 ke upar ka jo paragraph hai 1.2.6 ka jo पैराग्राफ है उसके उसके लिए आपने ये बात लिखनी है। शाबाश, 1.2.6 के ऊपर का जो पैराग्राफ है वहां पे आपने ये बात लिखनी है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स द जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द अपॉइंटीज फॉर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शैल बी डिस्क्लोज्ड एंड इन केस रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस evaluation report
सच डायरेक्टर और समरी देयर ऑफ शैल बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आओ एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द अपॉइंटी फॉर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शैल बी डिस्क्लोज्ड एंड इन केस ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट। अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दोबारा से रीअपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट, ठीक है, उसकी समरी, उस रिपोर्ट की समरी को भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है। ठीक है, आप किसी, तो दो केस हैं बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। अगर आप एक नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन लिखना है आपको। अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो बनी होगी एक्ट के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट की समरी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इंक्लूड करना है। अगली क्लास शुरू होगी 1.2.6 पैराग्राफ से। Thank you very much for this session.